प्रधानमंत्री दो दिन के वाराणसी दौरे पर हैं। उन्होंने सोमवार को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इसी दौरान पीएम मोदी सभी को चौंकाते हुए सोमवार आधी रात को काशी भ्रमण पर निकल पड़े। विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए वो विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और फिर वहां कुछ देर बिताने के बाद बनारस रेलवे स्टेशन का रुख किया और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को देखा और स्टॉल पर मौजूद दुकानदारों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने रेलवे स्टेशन के साथ अन्य जगहों का भी दौरा किया और विकास कार्यों को देखा। निरीक्षण की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए भी शेयर की हैं। फोटो के साथ पीएम ने लिखा है, हमारी कोशिश है कि इस पवित्र शहर के लिए सबसे बढ़िया बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए। अपने एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नेक्स्ट स्टॉप बनारस स्टेशन, केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है कि यात्रियों को साफ सुथरी ट्रेन, स्टेशन और दूसरी सुविधाएं मिल सके। वाराणसी में किए जा रहे कुछ विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा कि इस धार्मिक नगरी में बेहतर आधारभूत सुविधा मुहैया कराना हमारा प्रयास है। आपको बता दें कि पीएम मोदी आधी रात को निरीक्षण पर इस वजह से निकले ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही।